Assalamualaikum viewers, good morning, welcome to RKJ. अच्छा friends, मैं अल्लाह के करम से बिल्कुल फिटफाट जबरदस्त और उम्मीद यही है कि आप लोग भी फिटफाट होंगे। अच्छा लास्ट जो हमारी वर्कआउट था लेग का, उसने बैंड बजा दी थी, बॉडी में पेन अभी तक मौजूद है, लेकिन हमने एक्सरसाइज स्किप नहीं करनी। हम मंडे का दिन है, आलमी तौर पे चेस्ट डे होता है मंडे का, आज हम चेस्ट डे करेंगे, सिंगल चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे, तकरीबन 8 to 9 हम एंगल परफॉर्म करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जैसे हम आपको कहते हैं वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग करें, जिन लोगों को फैट की प्रॉब्लम है वो बिफोर वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट ट्रेडमिल कार्डियो लाजमी करें। आए तो फिर स्टार्ट करते हैं चेस्ट। अच्छा व्यूअर्स, फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है आफ्टर स्ट्रेचिंग वार्म अप, बेंच प्रेस हम परफॉर्म करेंगे। अच्छा बेंच पे जब आप लेटेंगे तो आपने अपनी लोअर बैक में अच्छे से आर्च मेंटेन करना है कि आपकी जो बैक है उसके अंदर कम से कम एक हाथ का गैप हो, बिल्कुल आपने अपनी लोअर बैक को बेंच से चिपकाना नहीं है, आर्च मेंटेन करनी है। इसके हम 4 sets परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगी 10 to 12। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं वो हम परफॉर्म करेंगे डंबल बेंच प्रेस। डंबल से हम ये बेंच प्रेस करेंगे, इसके हम 4 sets परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगी 10 to 12। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो इंक्लाइंड बेंच प्रेस है। इंक्लाइंड पर हम बेंच प्रेस परफॉर्म करेंगे, 4 sets हम इसके परफॉर्म करेंगे, रैप्स होंगी 10 to 12। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है इंक्लाइंड डंबल फ्लाई है। इंक्लाइंड डंबल फ्लाई के हम 4 sets परफॉर्म करेंगे, रैप्स होंगी 8 to 12। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है इंक्लाइंड डंबल प्रेस ही है, लेकिन हम इसे क्लोज ग्रिप से लगाएंगे, परफॉर्म करेंगे। 2 dumbbell आपने हैंड में लेने और उनको बिल्कुल क्लोज करके ऐसे आप पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे और इसे आप 4 sets इसके आप परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगी 10 to 12। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो इंक्लाइंड बेंच पे केबल फ्लाई हम करेंगे, इसके हम 4 sets परफॉर्म करेंगे, रैप्स होंगी 10 to 12। कंट्रोल वे में ही आपने परफॉर्म करना है। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो मशीन चेस्ट प्रेस है। मशीन चेस्ट हम प्रेस परफॉर्म करेंगे, 4 sets हम इसके परफॉर्म करेंगे, रैप्स होंगी हमारी 10 to 12। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो डंबल पुल आवर है। डंबल पुल आवर हम परफॉर्म करेंगे, 4 sets हम इसकी परफॉर्म करेंगे, रैप्स होंगी हमारी 10 to 12।
अच्छा व्यूवर्स, वर्कआउट आज हमने आपसे शेयर किया चेस्ट का। अच्छा, बिफोर वर्कआउट हम जैसे आपको रिकमेंड करते हैं कि वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग करें। जिन लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम है, वो बिफोर वर्कआउट ट्रेडमिल करेंगे, कार्डियो करेंगे, और आफ्टर वर्कआउट तो लाजमी करेंगे। देखिए, बिफोर वर्कआउट आपको मिनिमम 10-12 मिनट्स का कार्डियो करना है, और आफ्टर वर्कआउट आप 15-20 मिनट्स का कार्डियो करेंगे, जबरदस्त किस्म का। और कार्डियो एक रिदम में नहीं होगा, यानी कि अगर आप वॉक कर रहे हैं तो सिर्फ वॉक नहीं करेंगे, आप वॉक करेंगे, फिर जॉग करेंगे, फिर स्प्लिट करेंगे, यानी कि आप पहले चलेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर भागेंगे जबरदस्त तेज। तो आपने बेसिकली देखे, कार्डियो हार्ट रेट से ऊपर ले जाने, नीचे ले जाने का काम है। तो आपने कोशिश ये करनी है, बॉडी आपकी जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्ड करेगी। डाइट का आपने, जैसे हम बताते हैं, आपको ख्याल करना है। और जिन लोगों को एप्स का मसला है, या जो चाहते हैं कि हमें एप्स क्लियर करने, पहले तो हम आपको ये बता दें कि हर वक्त एप्स क्लियर होना ये सेहत की निशानी कहीं नहीं है। जब आपके एप्स क्लियर होते हैं, इट्स मीन कि आपकी बॉडी के अंदर फैट लेवल सिंगल डिजिट में आ गया है। जब आपका फैट लेवल सिंगल डिजिट में आ जाता है, तो आपकी बॉडी वीक हो जाती है। आजकल जो लड़के हैं वो यही सोचते हैं कि बॉडी लीन हो, सारी बॉडी क्लियर हो। जब आपकी बॉडी क्लियर होती है, आपका फैट का लेवल सिंगल डिजिट में होता है, आपके अंदर एनर्जी लेवल कम हो जाता है, आपके अंदर ताकत भी होती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये होगी कि आपने अक्सर रेसलर को देखा है, पहलवानों को देखा है, या बड़े हैवी वेट लिफ्टर को देखा है, वो कभी भी लीन नहीं होंगे। पहलवान होते थे बड़े बड़े, जो पहलवानों के शहर हैं या मुल्क हैं, इंडिया, पाक और हिंद, इधर के जितने बड़े पहलवान हैं, वो कोई भी लीन नहीं था, उनके पेट पे कोई मसल्स नहीं थे। ये चीज आपने देखनी है। ये लीन करना एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, जब आपका कोई कंपटीशन, आप फाइट कर रहे होते हैं, आप उस टाइम पे बॉडी को अपनी लीन करते हैं, उसके बाद नॉर्मल लेकर आते हैं बॉडी को। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना। आज की टिप्स हमारी यही थी। अपने भाई आरकेजे को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नई एक्सरसाइज, नई टिप्स के साथ हाजिर होंगे। सलाम अलैकुम।